ये आपका लेसन प्लान की अंतर्गत लास्ट लेसन प्लान होगा। तो इस प्रकार से विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, समय, विषय और विषय प्रकरण, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसके अलावा आगे देखते हैं आपका यहाँ पर होगा शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना। प्रस्तावना की जो आपकी आंसर क्वेश्चन होगी वो इस प्रकार से होंगी, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र जनसांख्यिकी का निर्णायक तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने क्या कहते हैं? प्रवासी। इसके अलावा आपको उद्देश्य लिखना पड़ेगा और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण दो आपति में विभक्त होती है, जैसे कि प्रथम आपति और द्वितीय आपति। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया शिक्षण बिंदु से अम्पटकार। द्वितीय विभक्ति में भी आपको बताया जाएगा जो द्वितीय आपति है वो भी इसी प्रकार से होगी, तो आप देख लीजिएगा उस प्रकार से है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लास्ट क्वेश्चन होंगे कि सारांश प्रश्न, सारांश प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास का, ग्रह का, वो इस प्रकार से होंगे। और सबसे लास्ट में आपको हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के लिखने पड़ेंगे और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक के लिखने पड़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।